देखने में ये आपको एक स्टील का बर्तन लग रहा होगा, लेकिन इसमें से आपको सालन की बजाय इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसने इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे और क्यों स्टोर किया? टू अंडरस्टैंड दिस, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कैपेसिटर्स। ये डिफरेंट कलर, साइज और शेप के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स हैं, लेकिन अपने काम के लिहाज से ये सब एक जैसे हैं। इनका एक ही काम है और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना। इन्हें हम कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल सोर्स मौजूद होना चाहिए जो इनको इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर सके। वो इलेक्ट्रिक सोर्स हमारे घरों के आउटलेट में मौजूद 220 वोल्ट्स भी हो सकते हैं, वो ये 9 वोल्ट की बैटरी भी हो सकती है, और ये 1000 वोल्ट्स जनरेट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर भी हो सकता है। जब मैं इस कैपेसिटर को 220 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ तो इसके दोनों टर्मिनल्स पर ऑपोजिट चार्ज स्टोर हो जाता है, और मैं इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके देख सकता हूँ कि वाकई इसने बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लिया है। इसी तरह से जब मैं इस कैपेसिटर को 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो इसके दोनों टर्मिनल्स पर भी ऑपोजिट चार्ज स्टोर हो जाता है, और जब मैं इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो देख सकता हूँ कि वाकई में इसमें चार्ज स्टोर हो गया था। जिसे आप स्टील का बर्तन समझ रहे थे वो भी एक्चुअली में एक कैपेसिटर है। ये दुनिया के सबसे पुराने कैपेसिटर का एक मॉडल है। आप सोच रहे होंगे कि बाकी कैपेसिटर्स की तरह इसके दोनों टर्मिनल्स नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली में इसकी दो प्लेट्स ही दो टर्मिनल्स के तौर पर एक्ट करेंगी, लेकिन इसकी दोनों प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करने के लिए मैं 9 वोल्ट की बैटरी या 220 वोल्ट का ये सोर्स यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसके लिए 1000 वोल्ट प्रोड्यूस करने वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर यूज करूंगा। जब मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को कैपेसिटर की प्लेट के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब मैं इसकी ऑपोजिट प्लेट्स को आपस में टच करता हूं तो मैं देखता हूं कि वाकई इसमें काफी ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया था। अब हम कैपेसिटर्स को इतना जान गए हैं कि हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्सटर्नल सोर्स से कैपेसिटर की प्लेट्स पर एनर्जी स्टोर होना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहलाता है, जबकि प्लेट्स पर स्टोर्ड एनर्जी को कंज्यूम करना कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहलाता है। अगर 9 वोल्ट की ये बैटरी भी करंट प्रोवाइड कर सकती है और 9 वोल्ट पर चार्ज हुआ ये कैपेसिटर भी करंट प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर बैटरी और कैपेसिटर में असल फर्क किस चीज़ का हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स को वीडियोज में एंजॉय कीजिए, लेकिन घर पर बिल्कुल ट्राई ना कीजिए।